नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हुए लोग जीवन में सक्सेसफुल सिर्फ नेटवर्क नहीं है, डायरेक्ट सेल्स में भी लोग सक्सेसफुल ना होने का वजह है कन्वेंशनल विजडम। अच्छा, कन्वेंशनल विजडम का मतलब है परंपरागत नॉलेज। यू नो, दो रास्ते होते हैं सुरेंद्र जी सर। एक रास्ता जिसमें जाओ तो आपका सक्सेस गारंटीड है, एक रास्ता जिसमें जाओ तो आपका फेलियर गारंटीड है। अच्छा, ओके। तो लोग जुड़ते वक्त नहीं जानते कौन सा गारंटीड सक्सेस का रास्ता है, कौन सा फेलियर का, गारंटीड फेलियर का रास्ता है। ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्रामों में, वीडियोस में, किताबों में जो परंपरागत तरीके से लिखा गया, बताया गया, सिखाया जाता है ना, वो गारंटीड फेलियर का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी कंपनी में जुड़े हैं, वो डायरेक्ट सेल्स का कंपनी है, आप वहां पर पहला दिन जाकर बेसिक सेल्स ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो तो बोला जाता है लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में सबका नाम लिखो, पहचान वालों का, अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदारों का, सबका सबका नाम लिखो। आप शादी करते हो उसमें जितने लोगों को बुलाओगे उन सबका नाम लिखो, और अगले दिन से उनके घर, उनको फोन करो, उनके घर में बैठ जाओ, उनको बुलाओ, उनको ये बताया जाता है ना। और नॉर्मली सबके सब 150 लोगों का लिस्ट बना देते हैं, और ये गारंटीड फेलियर का रास्ता है। अच्छा, हाँ जी। अब ये क्या, लिस्ट में आज तक सक्सेस का रास्ता था वो बदल गया है? कभी भी सक्सेस का रास्ता नहीं था। अच्छा, हाँ, इसमें ना बाई चांस करोड़ में एक लाख में एक सक्सेसफुल हो जाता है। गारंटीड सक्सेस यानी उस रास्ता है जिसमें जो कोई गया उसमें गारंटीड सक्सेस मिले। गारंटेड सक्सेस का रास्ता है ये, जो 150 लोगों को आपने लिस्ट बनाओ बोलते हैं ना, लिस्ट बनाना चाहिए। अच्छा, हाँ, सचमुच बनाना चाहिए, मगर आपको कसम खाना चाहिए कि ये 150 लोगों को मैं जीवन में कभी भी मिलूंगा नहीं। ओके, और इनको छोड़ के बाकी लोगों को मिलूंगा। अच्छा, ओके। और कमाल की बात सुरेंद्र जी ऐसा है कि ये 150 को छोड़ दिया ना, भारत में 150 करोड़ लोग, सारे पैसे वाले वहां पर है, सारे यू नो आपको जीवन में करोड़पति बनाने वाले, लखपति बनाने वाले, आपको सेल देने वाले, सक्सेसफुल सब लोग वहां पर है, और वो मार्केट छोड़कर लोग सारा जिंदगी 150 के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो 150 जो हमें निकम्मा नालायक समझते हैं। करेक्ट। और दूसरी बात सर, ये जो पहचान वाले होते हैं वो आपको अगर रिजेक्ट कर देते, डायरेक्ट सेल्स में रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, खास करके पहले 1-2-3 महीने में। राइट। ये लोग रिजेक्ट करते हैं ना तो आप सह नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है खुदकुशी कर। अगर अनजान आदमी आपको रिजेक्ट करता है आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।